आज भारतीय की ओर से कलेक्ट्रेट में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत से पूर्व भारतीय के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हजारों किसानों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में उन्होंने किसानों को संबोधित किया। राकेश टिकैत ने कहा, टिकैत साहब आज धरना देने बिजनौर आए हैं, किन मांगों को लेकर? अपनी बात है भाई, सरकारों को कहने आए। गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली की समस्या है, कुछ सरकार कानून लेकर आ रही है, एक बिजली का भी ले आई। बिजली अबेंटमेंट बिल जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें मना कर रही थी कि नहीं जाएंगे, लेकिन वो ले आई। इससे बिजली और ज़्यादा महंगी होगी और सरकार कह रही कि बिजली फ्री देंगे किसान को। मीटर लगाने की बात कर रही, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएंगे? बस उस इंजीनियर से हमको भी बिलवा दो तो हम भी उससे कम से कम बात कर लेंगे। गन्ने का भुगतान यहाँ पे है तो यह बहुत समस्या यहाँ पे है, उसके लिए आए। अग्निपथ योजना है, एक आदमी अग्निवीर नहीं बनना चाहता जो नौकरी कर रहा है। कोई भी अपनी नौकरी छोड़ने को कोई तैयार नहीं। यहाँ का अधिकारी हो, यहाँ का कर्मचारी हो, जिसकी 10-10, 15-20 साल नौकरी होगी, एक आधा तो पहला आ जाएगा, भाई मैं नौकरी छोड़ दी, मैं अग्निवीर बन गया, कोई नहीं आ रहा। तो हम इन सब चीज़ों के विरोध में यहाँ आए, अपनी पंचायत करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। दिल्ली की बात आपकी कि सरकार का दावा है कि जितना इस सरकार ने भुगतान करा है। अरे झूठ बोलने का तो किसी से कुछ बोल नहीं भाई। गन्ना एक्ट कहता है कि 14 दिन में मिलेगा। आप उठा लो कुछ शुगर फैक्ट्री का आंकड़े, उन्होंने कितना दिया और ये कह रहे हैं। अब झूठ बोल रहा है आदमी सामने और आप भी वही क्वेश्चन कर रहे भाई। आप उनसे पूछ सको कि 14 दिन में गन्ना एक्ट में नहीं भुगतान करेगा तो उसका ब्याज देगा तो क्या वो देखते हैं? ये सारी चीजें अपनी बात अधिकारी को कहना। ये धरना कब तक चलेगा? क्या पता कब तक चलेगा धरना। तिरंगा भी है भाई, यहाँ पे भी बढ़िया सजावट हो रही और इतने सुंदर तिरंगा रंग को देख कर कौन जाना चाह रहा है भाई उनसे? ये फंक्शन ही देख कर चले जाएंगे, 1-2 दिन में फंक्शन है। फंक्शन देखने आए 15 अगस्त तक? हाँ देख लेंगे यही, और क्या, फिर दोबारा आते फिरते लंबा प्रोग्राम मांग के चल रहे। क्या पता भाई, अगर ये गाँव वाले कह लगे थे हम भाई पहले 26 जनवरी देखकर दिल्ली में जा रहे थे तो कई दिन पहले आ रहे थे, इतना बढ़िया भव्य प्रोग्राम होगा 15 अगस्त में तो उसे भी देख के जाएंगे। आज तो नहीं, 15 अगस्त का प्रोग्राम देख के जाने की तैयारी? अब भाई गांव वाले कह रहे हैं कि भाई देख लेंगे फिर क्या दोबारा आते फिर। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, किसानों का गन्ना भुगतान वे बिजली का बिल माफ नहीं किया गया, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे कलेक्ट्रेट में ही डरे रहेंगे। बिजनौर से सचिन वर्मा की रिपोर्ट।